आज 6 अक्टूबर 2019 जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपीयर हुई हैं, उसमें ये कराची यूनिवर्सिटी में एक मूट ऑर्गेनाइज़ किया गया फार्मासिस्ट के लिए, और उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके हवाले से डिफरेंट स्पीकर्स ने बातें की। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में 199th जो सिंडिकेट का इजलास है वो मुनक़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और एज़ वेल एज़ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो चेयरमैन और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के हवाले से फैसले किए गए। देन ओपीएफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन है वो यूनिवर्सिटी ओपन करने जा रहे हैं, जिसका काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है इस्लामाबाद में। तो ये जो है कोई F11 सेक्टर में उन्होंने जगह ली है और वहाँ पर ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। देन अगेन ये ट्रिब्यून की खबर है कि सिंध यूनिवर्सिटी जो है वन क्लिक सॉल्यूशन फॉर पेरेंटल ओवरसाइट डेवलप कर रही है, जिसमें अटेंडेंस स्टूडेंट्स की उनकी जो डिफरेंट सेमेस्टर्स में परफॉर्मेंस और सारे मामलात जो स्टूडेंट्स टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं सबको एक्सेस होगी कि वो ऑनलाइन हर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लें। सिंध लॉ मेकर्स जो है उन्होंने कंसर्न शो किया है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ने बेसिकली एक डिपार्टमेंट सिंधी के एडमिशन्स को अनाउंस नहीं किया, उस पर उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा को नॉमिनेट किया गया मिलीनियम फेलोशिप के लिए, इससे पहले नष्ट भी हो चुकी है। ये बेसिकली जो मिलीनियम कैंपस नेटवर्क है वो ग्लोबल नेटवर्क है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो तनाजर में दी गई हैं फेलोशिप्स, और 19 के करीब जो है स्कॉलर्स इससे फ़ायदा मंद होंगे। वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाके जो डिफरेंट तकरीबात है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और उसमें स्पीकर्स को सुनेंगे भी सही।